इससे क्या होता है ना कि आसपास के जितने भी एरिया है उससे कनेक्टिविटी में काफी आसान रहता है। जैसे झंडा है ना, झंडा हाँ। अभी उसमें मंत्र वगैरह लिखा हुआ है मतलब, हाँ। ना तो ये टांगने के बाद में हवा से मतलब वो जब फड़फड़ाता है ना, हाँ। मतलब जो पूर्वज का सोच है कि मतलब वो मंत्र जो है हाँ। कंटिन्यू पढ़ाई हो रहा है बोल के ना, जिसे इंग्लिश में यूएसी बोलते हैं अन आर्म कॉम्बैट ना, हाँ। उसका फौज का ट्रेनिंग होता है इसमें। ओ मतलब बिना हथियार के किस तरह लड़ाई किया जाता है उसका हाँ। ट्रेनिंग किया जाता है ना बालू में, ताकि चोट वोट भी ना लगे। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का बंजारा यात्री के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं किवतु विलेज में आया हुआ हूँ, जो कि जस्ट चाइना के बगल में सटा हुआ ये विलेज है, और उसके जस्ट आगे द लास्ट विलेज एंड द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया किवतु। और आप लोग ये वीडियो पहले देख चुके होंगे। और अभी हमारे साथ हैं प्रेम सर, जो कि अभी विलेज एक्सप्लोर कराएंगे, और काफ़ी अच्छे ही है। ये मियो ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और इनका भी कल्चर जैसे खमती ट्राइब का था उसी तरह सेम सेम है, और ये भी बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और काफ़ी अच्छे इंसान है। तो फाइनली चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ विलेज का पूरा कल्चर, लगभग कैसा विलेज है जो कि चाइना के जस्ट बगल में बसा हुआ है। तो गाइज अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं उधर से, ताकि इस गाँव का जो है ना पूरा व्यू अच्छा से दिखे। और ये छोटा सा मतलब जगह में बसा हुआ पहाड़ी के बीच में किवतु विलेज, लगभग कितना घर होगा यहाँ? 43 हाउस है ना, वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, काफी डेवलपमेंट हुआ है, होम स्टे ये सब भी तो खुल ही रहा है। और ये क्लाइमेट भी देख सकते हैं, ठंड के समय में तो पूरा बर्फ जम जाता होगा ना ऊपर पहाड़ में। और यहाँ पर ना नेटवर्क है ना कुछ है, तो कनेक्टिविटी भी घर से नहीं हो पा रहा। तो अभी प्रेम सर लेकर जा रहे हैं एक व्यक्ति के पास, जहाँ पर कितना में होता है बात वो इंटरनेशनल मीन्स बगल में चाइना का ये टावर है ना, तो उससे कनेक्ट होता है, तो इंटरनेशनल रिचार्ज करवाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है ना। कितना पड़ता है पर मिनट? 15 रुपीज़। एक मिनट का 15 रुपीज़, मतलब अगर एक मिनट आप बात करते हैं तो 15 रुपये लगेगी। और कितने का पैक डलवाते हैं आप बताए थे? 3500 का। 3500? इधर पहाड़ चढ़ने में लेकिन थक जाता हूँ थोड़ा। पूरा ऊपर इस तरह बना हुआ है, ये पूरा गाँव बसा हुआ है। टोटल आप ही लोग के ट्राइब के लोग हैं? हमारे ट्राइब भी हैं, और हाँ। प्लस बाहर से जो आके बसे हैं ऑन हाँ। सर्विस में है हाँ। वो भी है। ओ चल, तक तो यहाँ डिफेंस वाले लोग हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, और वो सामने उधर चाइना है पहाड़ के जस्ट। वो तो पहाड़ चाइना में ही है ना, इंडिया में है वो? चाइना का, वो चाइना का पहाड़ है सामने। ये बताइए, ये जो आप लोग झंडा लगाते हैं इस तरह का, इसका मतलब क्या मानना है? मतलब ये झंडा जो लगाते हैं ना, जैसे हमारा जो पूर्णिमा हो गया हाँ हाँ। ना उसका ने टिबेटन में जो यहाँ के हाँ। मियो ट्राइब है हाँ हाँ। मियो ट्राइब में कुछ डे वगैरह होता है, पर्टिकुलर डे होता है हाँ हाँ। जैसे 10 तारीख हो गया हाँ। 15 तारीख हो गया, 25 तारीख हो गया हाँ। उस दिन हम अपने गॉड को याद करके पूजा सुजा करते हैं, उसके बाद में वो झंडा वगैरह झंडा लगाते ना, और उस तरह का ऐसे बांधा हुआ रहता है ना हाँ। उड़ते रहता है किवतु में, वो सर बता रहे थे लेकिन अच्छा से समझ नहीं पाया, जैसे बता रहे थे उड़ते रहता है क्या ऐसे, तो उससे नहीं तो मतलब ऐसा है कि जैसे झंडा है ना हाँ। झंडा अभी उसमें मंत्र वगैरह लिखा हुआ है मतलब हाँ। ना, तो ये टांगने के बाद में हवा से मतलब वो जब फड़फड़ाता है ना हाँ। मतलब जो पूर्वज का सोच है कि मतलब वो मंत्र जो है हाँ। कंटिन्यू पढ़ाई हो रहा है बोल के ना, ओ मतलब जितना उड़ेगा तो ऐसा उतना कहना पढ़ाई हो रहा है, कंटिन्यू पढ़ाई हो रहा है ना, तो उससे जितना पुण्य मिलेगा आपको पुण्य मिलेगा। तो चलिए ऊपर, अभी थोड़ा और दिखाता हूँ चीजों के बारे में, बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग लकड़ी काटते हैं उससे ऊपर जंगल से ना? पहाड़ों से मोस्टली यहाँ पर ये होता है ना कि लकड़ी पहाड़ में फ्री है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर काफी ठंड पड़ता है, तो ठंड में लकड़ी जलाना तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी ट्राइब के लोग होते हैं घर के बीच में आग जलाते हैं, और चारों तरफ से बैठकर अपना खाना वाना खाते हैं, और रूम भी गर्म होता है। तो उसी तरह से क्या है ना कि हर घर में लकड़ी का जरूरत होता है, तो इस तरह जंगल में लकड़ी फ्री है, बस काट कर घर लेकर जाना है और जलाना है। और एक लकड़ी के बारे में बता रहे थे सर कि वो ऑटोमेटिक जल जाता है, उससे कौन सा लकड़ी कहा जाता है ना? पाइन ट्री। उसमें ऑयल होता है, ऑयल होता है, तो वो भींगा भी रहेगा तो जल जाता है ना, जल जाता। तो जैसे हम लोग किरोसिन यूज करते हैं ना लकड़ी जलाने के लिए, उस तरह ये लोग पाइन ट्री का पेड़ का जो होता है ना लकड़ी थोड़ा सा यूज करते हैं, ताकि आग आसानी से जल जाए ना। और मोस्टली आप लोग कौन कौन सा लकड़ी यूज करते हैं? लकड़ी तो मतलब अभी जो ठोस लकड़ी होता है ना, जैसे हमारे जो भाषा में बोलते हैं तरसो बोलते हैं हाँ, थोमो बोलते हैं ना हाँ, ये सब जलाने के काम में चलाते हैं हाँ, स्पेशली जो पाइन का ट्री है वो नहीं चलाते हैं, पाइन का ट्री नहीं जलाते ना, मतलब लकड़ी नहीं जलाते हैं हाँ, स्टार्टिंग में जलाने के लिए हाँ, जलाते हैं, क्योंकि पाइन ऐसा है कि पूरा कार्बन ज्यादा होता है हाँ, तो घर वर काला हो जाता काला है, हो जाता है। और कल आप लोग आप बता रहे थे ना कि आप लोग गाय पालते हैं, तो आपके पास लगभग कितना गाय होगा? वैसे गाय तो होगा मतलब अभी 16-17 गाय होगा ना, तो
हम लोग गाय को मतलब अपना अपना निशानी लगाते हैं हाँ। ना, और खुला छोड़ देते हैं। जैसे कि हम लोग गाय पालते हैं ना, तो गाय का बथान कहा जाता है हम लोग की लैंग्वेज में। तो क्या होता है कि बथान में इस तरह से गाय को बांध कर रखते हैं ताकि इधर उधर भागे ना, या भागने के बाद कोई आदमी भी लेकर चला जाता है। लेकिन ये लोगों का गाय देखिए उस तरह से उधर चल रहा है ना, तो वो गाय खुला रहता है परमानेंट, उसका मतलब खुला रहेगा, घर का कोई ये नहीं है, बस बाहर जंगल इस तरह पूरा हरियाली है और इस तरह वो खाते रहता है। लेकिन बात रहा कि जब वो बच्चा देता है तो उसका बच्चा को आप लोग मतलब क्या करते हैं, घर में रखते हैं, घर में। और जिस तरह बकरी खसी हम लोग का होता है ना, घर के बाहर चरता है ऑटोमेटिक आकर, घर में शाम को आ जाता है मुर्गी, उस तरह जानवर आपका शाम को या सुबह को आकर दूध पिला देती है और फिर ऑटोमेटिक बाहर चले। उन लोगों को ठंड नहीं लगता इधर, काफी ठंड है, पानी पड़ता है इतना, मतलब यहाँ की गाय जो लोकल गाय है यही के क्लाइमेट में सूट हो रखा है ना। जैसे नीचे से गाय लाते हैं वो गाय सुटेबल नहीं है। ओ, तो दूध भी काफी कम देती है ना आप लोग? कम देती है, लगभग कितना लीटर देती है? 1.5 लीटर 2 लीटर। हमारे म्योर कम्युनिटी है ना, हाँ हाँ। तो टर्न बाय टर्न ना, हफ्ता हफ्ता दिन एक एक आदमी का ड्यूटी लगता है, हाँ। तो वो पूजा पाठ वगैरह करते हैं इसमें ना, इसमें ना, हाँ। ये क्या बोला जाता है? गुम्पा। गुम्पा, तो प्रतिदिन यहाँ पर ये होता है ना पूजा? हाँ, प्रतिदिन होता है। तो कैसे क्या बताया आप, डे बाय डे? हाँ, मतलब जैसे 16-17 आदमी है, हाँ। तो एक एक आदमी का टर्न होता है, हाँ। वो आके पूजा पाठ वगैरह करके चले जाते हैं ना, हाँ। फिर उसका टर्न खत्म हो जाएगा, हाँ। तो दूसरा आदमी आके फिर पूजा करते हैं। मतलब तो मतलब पूजा में किस तरह का होता है कल्चर? पूजा में जैसे जैसे आके बत्ती सत्ती जलाना, हाँ। अगरबत्ती वगैरह करना, हाँ। ये सभी है। ओ, मतलब जिस तरह हम लोगों का पूजा होता है उस तरह का सेम पूजा होता है। और शायद आप लोगों को मैं दिखाया होगा बिकनी और अनदर ये मोंग ना, आप लोग मोंग को बुलवाते हैं। आप अपना एक कल्चर बता रहे थे ना कि जिस तरह पैदा होने में और शादी करने में खर्च नहीं, उससे ज़्यादा खर्च आप लोगों का मरने में होता है, तो उसका रीज़न क्या है, थोड़ा सा वो बताएंगे? रीज़न मतलब ऐसा है कि कोई खास रीज़न नहीं है, हाँ। जो खर्च वगैरह आता है जैसे जन्म और विवाह में, हाँ हाँ। इतना खर्च नहीं होता, खर्च होता है मतलब कम मायने में खर्च होता है, हाँ हाँ। लेकिन जब आदमी का मृत्यु होता है उस समय पर ज्यादा खर्च होता है ना, हाँ हाँ। ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके कर्मकांड हो गया, पूजा पाठ हो गया, हाँ हाँ। उसमें मतलब ताकि उनको स्वर्गवास होने के बाद में अच्छा स्थान की प्राप्ति हो बोल के पूजा पाठ वगैरह करते हैं। और बेसिकली जैसे गाँव में बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, तो वो पहले से सेव करना शुरू कर देते हैं, मैं मरने के बाद में, हाँ। किसी के ऊपर में, बच्चे के ऊपर में, लड़के के ऊपर में, हाँ, या बहू के ऊपर में, हाँ। कोई बोझ ना हो बोल के वो पहले से सेविंग करके रखते हैं अपना खर्च के लिए ना, हाँ। इस तरह से जो बूढ़ा बूढ़ी लोग है वो उस तरह से सेव करके रख के लास्ट में बता के जाते हैं जब मरते समय, मतलब मेरे पास में इतना सेविंग है, ये सेविंग से मेरा ये कर्मकांड वगैरह कर देना बोल के, हाँ, बताती है ताकि आने अपना जनरेशन पर बोझ ना पड़े। और लगभग कितना खर्च हो जाता होगा आपके कर्मकांड में? कर्मकांड में आपका लगभग अभी जैसा जैसा औकात है उसी तरह से ना, हाँ। मिनिमम बोलने से 5 लाख के आसपास में, हाँ। खर्च हो जाता है। ये कितने दिन का पूजा होता है ये सब? ये होता है 44 डेज का ना, 44 डेज का कंटिन्यू पूजा होता है, कंटिन्यू पूजा होता है। तो 5 से मतलब 6 लाख तक का खर्च हो जाता है, हाँ। लेकिन मोस्टली आप लोगों में क्या है ना कि बूढ़ा बूढ़ी जो रहती है, हाँ। वो पहले से पैसा जमा करके, हाँ। रखती है, लगभग 5 लाख तो वो लोग रखते ही है, रखते हैं, 5 लाख तक रखते हैं ताकि जो कर्म कांड हो उसमें आराम से हो जाए, दिक्कत ना हो। और इधर का नियम यही है कि पैदा होना और शादी करने में कोई खर्च नहीं है। जैसे है ना हम लोगों की तरफ पूजा होता है ये सब, तो आप लोगों में उसे यहाँ भी हमारे जो मोंग रहते हैं गुम्पा में, वो मोंग वगैरह जो विधि विधान है, हाँ। वो सब करा के उनको जोड़ा में, हाँ। विदाई कर देते हैं मतलब बस है ना। और आप लोग जो चाहें उस तरह से खुशी से दे दिए तो दे दिए, वरना फिर उतना ये नहीं है कि देना ही है। पूरा एकदम बादल पहाड़ में एकदम बसा हुआ है ना, और ऊपर देखिए ऊपर पानी का पूरा बर्फ जम गया ना, वो सब तो इंडिया में ही आता है ना जो बर्फ जमा हुआ है चोटी। ओ, ये लोग पूरा ड्रेस पहन लिया ना, यूनिफॉर्म आर्मी का। ये स्कूल है यहाँ का, ये स्कूल है ना, पढ़ाई होता है कि नहीं इसमें? गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल की बताओ ना, कितना तक पढ़ाई इसमें होता है? क्लास 8 तक। क्लास 8 तक, वाह।
सर आपको अभी कुछ बताने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा शायद आपके लिए। हाँ बताइए सर। जितने भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पर इन्फेंट्री का कुछ चेक पॉइंट है, यहाँ पर चेकिंग होता है। हाँ। अगर इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम होता है। हाँ। तो एक्स रिटायर इंडियन आर्मी पर्सन, मैं अकेला हूँ एक ही बीथू के अंदर में। हाँ। मेरा नाम प्रेम है। आप हाँ। प्रेम से मिलना है बोलने से डायरेक्टली जैसे मैं आया ना उधर काहो विले से, तो उधर सर आधार कार्ड लिए और फोन करके कन्फर्म करना पड़ता है, क्योंकि सिविलियन जब भी इधर कोई आते हैं तो थोड़ा परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि आर्मी जोन है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर का नाम लेने से डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, सर का नाम लेने से वो आने दे देंगे, वरना आपका मतलब ये टावर बनने के बाद क्या होगा कि कनेक्टिविटी बन जाएगा, तो कॉल भी कर सकते हैं सर को, तो वो भी आ जाएंगे लेने के लिए ना सर। तो आपको हो सकता है थोड़ा आराम हो और ऐसा जगह घूमने का मौका मिले, ये वादियाँ के बीच में बसा हुआ किबतू विलेज, और काफ़ी अच्छा है। इसके बारे में जितना भी मैं बोलूँ कम ही हो जाएगा क्या? मतलब यहाँ पर का कल्चर जो है ना काफ़ी डिफरेंट है हम लोगों से। ये जो ये सर ये पाइंट्री है ना? हाँ पाइंट्री है। इसका इसमें जब स्नो बर्फ जमता होगा तो और अच्छा लगता होगा देखने में ना? आपका वो सामने जो दिखाई दे रहा है वो मुसाई गांव है। मुसाई गांव। यहाँ पर लगभग कितना गांव होगा? यहाँ पर होगा आठ नौ गांव होगा। आठ नौ गांव, लगभग आठ नौ गांव हैं। और सबसे हमको लगता है कि सबसे ज्यादा घर ये किबिथू में ही है ना? किबिथू में मतलब ऐसे बोलने से मियोर ट्राइब का कम है, 16-17 घर है। हाँ। जो बाहर से आके जो सर्विस कर रहे हैं उनको भी काउंट करके 43 के लगभग में घर होगा यहाँ पर। तो इसी तरह का यहाँ पर मतलब रहन सहन है। और मेडिकल फैसिलिटी का मतलब किस तरह से? मेडिकल फैसिलिटी भी है यहाँ पर, पब्लिक हेल्थ सेंटर है। हाँ। जो एक एनजीओ है कोरोना ट्रस्ट। हाँ। वो रन करती है। हाँ। तो यहाँ पर NM वगैरह है। हाँ। तो इनकेस कोई इमरजेंसी होता है जब, तो हमको बहुत ही 100% मदद डिफेंस से मिलता है। डिफेंस हमारा सपोर्ट करती है। कोई भी केस होता है वैसा सीरियस मैटर केस होता है तो डिफेंस द्वारा हमको फुल्ली। और वैसे आप लोगों को ज्यादा तकलीफ होता है तो फिर तेजू जाना पड़ता होगा ना? वालोंग में है, वालोंग में डॉक्टर है, वालोंग में रेफर कर देते हैं। अगर वालोंग नहीं हुआ तो एम्बुलेंस थ्रू तेजू को इवोकेट करते हैं। तो तेजू कम से कम यहाँ से 230 किलोमीटर के आसपास है। तो बिपिन रावत, तो उनके याद में यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया है ना, तो अभी हम लोग चल रहे हैं उस मेमोरियल को विजिट करने के लिए। और सर आप लोगों को काफ़ी सारा उस मेमोरियल के लेकर जानकारी भी देंगे, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। और ये इधर का डिफेंसिव का ये है ना हेलीपैड है बना हुआ, लेकिन ये सबको थोड़ा मैं कम ही दिखाऊँगा, क्योंकि ये सेफ्टी हमारे लिए ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब अपना सेफ्टी खुद रखेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा ना। तो इस तरह से काम करने का है, कभी भी गलत चीज़ नहीं दिखाने का है। ट्रेनिंग होता है ना जो आपका ये बिना हथियार की लड़ाई होती है ना, मतलब वो जैसे कुश्ती वगैरह हो गया जो जैसे इंग्लिश में USC बोलते हैं, अन आर्म कॉम्बैट ना, उसका फौज का ट्रेनिंग होता है इसमें। ओ, मतलब बिना हथियार के किस तरह लड़ाई किया जाता है उसका ट्रेनिंग किया जाता है ना बालू में, ताकि चोट वोट भी ना लगे। ये पूरा उधर चाइना दिख रहा है, सामने जो आपको बर्फ वाला पहाड़ी दिख रहा सब चाइना में। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस लोकेशन पर जहां की मैं आप लोगों को जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला था, जो कि हमारे CDS ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स, जो कि बिपिन रावत जी के याद में मेमोरियल बनाया गया है। और ये रहा सामने आप लोगों के आंखों के सामने, आप लोग देख कर पढ़ सकते हैं, वरना सर आप लोगों को थोड़ा मतलब शॉर्टली ब्रीफ करेंगे और इनके बारे में आप थोड़ा बताइए सर। जैसे अभी जो ब्रीफ हिस्ट्री बताती है, बिपिन रावत साहब चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जो 27वें डिफेंस स्टाफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। हाँ। ना उसके बाद में CDS हमारा पहला CDS चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ना, चीफ ऑफ द डिफेंस, वो पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ थे। उनके एयरक्रफ्ट में एक्सीडेंट में कुछ ध्यान हो गया था। हाँ, काफी ज्यादा मतलब हर लोग जानते हैं इस चीजों के बारे में, लेकिन बस एक मेमोरियल बनाया गया जो कि किबतू में, और काफी अभी नया है ना, कितना दिन हो रहा है इसे बने? 6-7 महीना हो गया अभी। हाँ। तो क्रश होने के बाद में उन्हीं के याद में ये बनाया गया है। वो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ थे जब वो ऑन ड्यूटी में थे। हाँ। पहले वो 27वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। तो यहाँ पर नौकरी जहाँ जहाँ पर उन्होंने सर्विस किया, जो जो गैरेशन में काम किया, तो वो बिपिन रावत गैरेशन के नाम से ही जाना जाता है। जैसे ये अभी गोरखा रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। हाँ। तो ताल्लुक रखने के वजह से यहाँ पर सर्विस किए थे। हाँ। गोरखा रेजिमेंट में होते समय, तो
उन्हीं के याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। तो अभी के समय में जितने भी टूरिस्ट आते हैं इधर मोस्टली इस चीजों को विजिट करने के लिए आते हैं ना। इस चीजों को जब से ये बना है थोड़ा सा टूरिस्टिक प्लेस बनता ही जा रहा है हाँ। और मेनली ये गेट है ना, ये गेट मेन द्वार बना है जीएन बिपिन रावत द्वार के नाम से। तो इसके बारे में बताएं थोड़ा, ये कब बना है? वही है जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि 6-7 महीने पहले बना है बोल के हाँ। तो ये द्वार भी मतलब उन्हीं के याद में द्वार बनाया गया है। तो ये द्वार के इनॉग्रेशन में जैसे चीफ ऑफ दी जो आर्मी स्टाफ हो गए हाँ। और जो हमारे अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर वगैरह आए थे वो आके इस पर्टिकुलर प्लेस को और ऑर्गेनाइजेशन के लिए मतलब योगदान दिए और मतलब काफ़ी अच्छा लगा। ये अभी काफ़ी नया बना है और इस तरह से कहीं ना कहीं अगर हर जगह मतलब पुराने डेवलपमेंट जहाँ नहीं हुए हैं और इस तरह की चीज़ों को बनाकर डेवलपमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, ताकि लोग जो अपना ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाएँ। और ये बगल में बहता हुआ लोहित रिवर के जस्ट सामने में बसा हुआ कीबतू विलेज ना, तो काफ़ी अच्छा यहाँ का लाइफ है ना। और ये सामने से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गेट, ये देखें ऊपर पुनः बना हुआ है बिपिन रावत द्वार के नाम से, जीएन बिपिन रावत मतलब कि जनरल बिपिन रावत मतलब कि आप लोगों को बस यही एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना इसलिए बनाया गया है ताकि इनका नाम जो है ना दुनिया में लोग आगे जनरेशन तक जाने मतलब कि एक यादगार बना दिया गया मेमोरियल। जिस तरह आपको मैं दिखाया था कन्याकुमारी में विवेकानंद मेमोरियल बनाया गया था, आज भी लोग वहां पर नदी मतलब समुद्र के रास्ते नाव से जाते हैं विजिट करने के लिए, उस तरह शायद यहां भी टूरिस्ट आए और एक बार बिपिन रावत की याद में इस चीज़ों को देख। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आज भी भारत का ऐसा छोर है, ऐसा पॉइंट है जहां पर रोकी टोकी से बात किया जाता है, तो उसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूं और सर हमारे जो है वो आप लोगों को बताएंगे किस तरह ओकी टोकी यूज़ किया जाता है। तो बताइए सर कैसे यूज़ किया जाता है इस ओकी टोकी को, आप लोग किस तरह से यूज़ करते हैं? जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क ना होने कनेक्टिविटी ना होने की वजह से इंटर विलेज कम्युनिकेशन हमारा बहुत ही मुश्किल होता है हाँ। जिस वजह से हमने एक ओकी टोकी रखा हुआ है जिसमें एक से लेके 16 चैनल है हाँ। जैसे हमारे अपने परिवार के साथ में बातचीत करते हैं हाँ। तो चैनल फिक्स होता है मेरे परिवार और जो दूसरा परिवार बात करता है हाँ। तो एक से लेके 16 तक चैनल रहता है इसमें हाँ। तो जैसे हम साथ में रहते हैं हाँ। तो मेरा परिवार भी साथ में रहेगा, उसी से हमारा इंटर कम्युनिकेशन इमरजेंसी के समय में गांव में जाने का जरूरत नहीं है हमको हाँ हाँ। तो इसी ओके टोके के द्वारा से हमारा बातचीत होके कोई भी इंफॉर्मेशन गांव को हम दे सकते हैं हाँ हाँ। आदमी को बुलाना हो हाँ। वहां से आदमी आ सकते हैं इस ओके। जब तक मोबाइल नेटवर्क नहीं है ये बहुत ही लाभदायक है हमारे मतलब लिए। कि इससे क्या होता है ना कि आसपास के जितने भी एरिया है उससे कनेक्टिविटी में काफ़ी आसान रहता है। जैसे कि ये कितना रेंज तक काम कर सकता है? ये डिस्टेंस इसका तकरीबन 5 किलोमीटर है। ये 5 किलोमीटर ना, तो जैसे कि आप यहाँ कीबतू में है तो बगल में कहो विलेज है, इतने दूर तक कम्युनिकेशन आराम से हो जाता है हाँ। पीछे भी हमारा जैसे अपना गाँव है जैसे धानबारी खरौती है उनके साथ में भी हमारा कांटेक्ट हो जाता है हाँ। तो वो दूसरा चैनल में बैठते हैं हाँ। तो हम जब जरूरत होता है कि उनके जब जरूरत होता है हमको हाँ। तो उनके चैनल में जाके हम उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कोई अच्छा भी। तो ये बताइए कि आप लोगों का बहुत सारा ऐसा चैनल होगा जिसमें प्राइवेसी बात करना पड़ता होगा, तो वो उसका मतलब क्या प्रोसेस है? ऐसे तो आप बात करते हैं तो सभी लोग सुनते होंगे, जैसे 7 चैनल पर लगाए तो 7 में जितने लोग आप बोलेंगे सब लोग सुनेंगे, तो अगर तो प्राइवेसी बात करना है तो फिर उसका क्या मतलब? प्राइवेसी मतलब ऐसा है कि जैसे हमारा चैनल है हाँ। तो हमारा बीच में कोड फिक्स होता है हाँ। तो कोड फिक्स होने के बाद में पहले से तय होता है कि जो चैनल इस्तेमाल में नहीं है हाँ। वो चैनल में हम कुछ वर्ड वगैरह बोलते हैं अपना लैंग्वेज में हाँ। वो चले जाते हैं वो चैनल में। जैसे मैं साथ में बात कर रहा हूँ हाँ। तो साथ में बात करने से पूरा चैनल वाला जितने भी है पूरा सुन लेता है, तो बात करते समय वो तो सुनते रहता है, तो हम कोई कोड वर्ड बोल देते हैं वो दूसरा चैनल में चला जाता है, ताकि जैसे कि आप पहले से बात कर लिए कि एप्पल मतलब कि तुम 1 नंबर कोड में आना, तो आप बात करेंगे 7 नंबर से फिर बोलेंगे एप्पल में आ जाओ तो वो 1 नंबर में आ जाएगा ना, ऐसा ही है ना? ऐसा ही बात होता है ना। तो इस तरह से कुछ ओकी टोकी यूज किया जाता है, और इसको अगर चैनल को कम करना है बेसिकली इसका क्या प्रोसेस है? मतलब इसमें 1 से लेकर 16 चैनल तक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है स्विच दिया हुआ है, तो इसको जैसे ये 14 हो गया, ये 15 हो गया हाँ। ये 16 हो गया, इसी तरह से 1 से लेकर 16 चैनल तक है ना हाँ। जो भी हमारे गांव में जितने भी गांव है 7-8 गांव है उनका अपना अपना चैनल है हाँ। अपना चैनल में बात करते हैं और बात करने का प्रोसेस ये है ना बात ये जो बटन है इसको क्लिक करके बोलना है, ओवर भी बोलना पड़ता है क्या? वैसे
सिस्टम तो ओवर है, लेकिन यहाँ पर ओवर वगैरह नहीं बोलते हैं, बस क्लिक करते हैं, क्लिक, बोले क्लिक करके आप बात कीजिए, उसके बाद में रेड ये आएगा, रेड बत्ती जला हुआ आएगा, जब आपका बात खत्म हो जाता है तो इसको छोड़ देना है। तो मतलब जो भी इस चैनल में सबके पास चला गया, चला गया, तो आपको जो वो है अगले बंदे उनके पास भी चला गया, तो आराम से बातचीत हो जाता है। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस है और शायद अभी डेवलपमेंट हो रहा है, इधर एक टावर भी बैठ रहा, तो आने वाले 5 से 6 मंथ में टावर भी हो जाएंगे, तो शायद ये सब का जो है ना प्रोसेस थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है थोड़ा सस्ता पड़ता है ना, सिम में हर मंथली रिचार्ज होता है तो वो सब काफ़ी खर्च होता है, लेकिन इसे कितने में परचेस करते हैं, 1500 में ना, 1500 में परचेस करने के बाद क्या होता है कि आसानी से आप लोकल इधर जितना भी एरिया है फ्री में जब जितना बात करना चाहें आराम से बात कर सकते हैं। बस यही छोटा सा बात था जो कि ओकी टोकी के रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियोस और फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट जाने से पहले इसके बारे में बताया था कि ऐसा भी भारत में छोर है जहाँ पर ओकी टोकी यूज़ किया जाता है, तो वो यही छोर है जो कि चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आता है ना। तो काफ़ी अच्छा लगा और ये सर भी काफ़ी अच्छे हैं, चीज़ों को अच्छे से डिफाइन किए हैं और थैंक यू सो मच इनका। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक एंड करना चाहूँगा, और अभी के लिए बाय बाय और जय हिंद जय भारत।